नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सरदाना। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि सिरसा के गांव डिंग में इनेलो को बड़ा झटका लगा है। दहिया परिवार सहित अन्य ने इनेलो को अलविदा कह दिया और हरियाणा लोकहित पार्टी का हाथ थाम लिया है। बता दें कि हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा की मौजूदगी में लोग हरियाणा लोकहित पार्टी में शामिल हुए। सोनीपत के बड़ोली गांव में पशु चिकित्सक की हत्या मामले में पूर्व सीएम हुड्डा ने परिजनों से मुलाकात की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, मामले में आरोप किसी पर भी हो लेकिन 24 गांव की पंचायत ने सीबीआई में जांच की मांग रखी है। पूर्व सीएम ने कहा कि अगर वर्तमान सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाएगी तो हमारी सरकार आने पर जांच होगी। प्रदेश में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि जींद के उपचुनाव के साथ ही विरोधी दलों ने जींद की चौधर का अराग अलापना शुरू कर दिया है, लेकिन सत्ता में रहते हुए इन राजनीतिक दलों को कभी भी जींद की याद नहीं आई। उन्होंने कहा कि जबकि बीजेपी कभी भी क्षेत्रवाद की नहीं बल्कि गरीबों की चौधर की बात करती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज विरोधी दल बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को टिकट दिए जाने को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा तो बीजेपी की ही पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं। डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा 1974 में जींद के जनसंघ के अध्यक्ष थे, इसलिए उनके बेटे होने के नाते डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को टिकट दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि टिकट जारी करने से लेकर आज तक कांग्रेस बैकफुट पर चल रही है, जबकि बीजेपी ने सबसे पहले अपना प्रत्याशी घोषित करने का काम किया। उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद सेक्टर 12 के हुड्डा ग्राउंड में 20,000 लोगों को कंबल वितरण किए और इस कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी के महामंत्री अनिल जैन ने दीप जलाकर किया। वहीं कार्यक्रम में विपुल गोयल ने अंत्योदय योजना के लिए बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अंतिम छोर तक विकास कार्य पहुंचाने के लिए कई ऐतिहासिक कार्य कर रही है। आपको यह भी बता दें कि इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कंबल वितरण समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद अनिल जैन रहे। वहीं इस कार्यक्रम में वल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा भी शामिल रहे। जींद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और टेकराम कंडेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि जनता के सुख दुख में कंडेला हमेशा आगे रहते हैं। बराला ने यह भी कहा कि हम किसी एक को ही टिकट दे सकते हैं, जो पार्टी का फैसला रहा उसे हम टिकट दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि कंडेला बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा के लिए प्रचार करेंगे। साथ ही यह भी कहा कि कंडेला जी नाराज थे लेकिन अब वो मान गए हैं। सिरसा में निजी कार्यक्रम में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने शिरकत की। इस मौके पर प्रकाश सिंह बादल ने हरियाणा की राजनीति पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ना तो वो किसी के खिलाफ बोलते हैं और ना ही किसी के हक में बोलते हैं। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी से उनका पुराना और पक्का नाता है। भारतीय किसान यूनियन आगामी 3 फरवरी को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पिपली कस्बे से किसान मजदूर रैली का संघर्ष का शंखनाद करेगी और इसी रैली को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक में तैयारियों की समीक्षा भी की गई है। भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस रैली को लेकर किसानों में खासा उत्साह है और किसान इस रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। 28 जनवरी को होने वाले जींद उपचुनाव को लेकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं और आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी लगातार की जा रही है। वहीं बगैर परमिशन की गाड़ियों के चालान भी किए जा रहे हैं। डीएसपी सिमरनदीप सिंह ने बताया कि अगर सुरक्षा की बात की जाए तो किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। गुरुग्राम में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब का उद्घाटन किया और इस कड़ी में दिव्यांग बच्चे डिजिटल पढ़ाई कर सकेंगे। बता दें कि सेंटर फॉर वेलफेयर ऑफ स्पीच एंड हियरिंग इंपेयर्ड पर्सनल में इस लैब का उद्घाटन किया गया। यह डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब दिव्यांग बच्चों के लिए कारगर साबित हो सकती है। 33वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले को शुरू होने से अब 10 दिन का समय ही बाकी रह गया है और इस कड़ी में मेला परिसर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं।
सूरजकुंड मेला 2 फरवरी से 18 फरवरी तक फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला ग्राउंड में आयोजित होगा और इस बार मेले की थीम के लिए महाराष्ट्र को चुना गया है, जिसके चलते मेले में आए पर्यटकों को महाराष्ट्र के स्वादिष्ट व्यंजनों का जायका लेने का मौका मिलेगा और इसी के साथ ही दर्शकों को महाराष्ट्र की संस्कृति को दर्शाने वाले लोक नृत्य को भी देखने का अवसर मिलेगा। हालांकि इसके साथ ही बाकी के राज्य और 20 देश भी इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं सूरजकुंड मेला के प्रबंध निदेशक राजेश जून ने बताया कि इस बार मेला एक नए अवतार में देखने को मिलेगा। फतेहाबाद में हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है, लघु सचिवालय में बने कन्हैया पार्क की सफाई का काम शुरू हो गया है। बता दें कि हरियाणा न्यूज ने करीब 1.5 एकड़ में बने कन्हैया पार्क की हालत को प्रमुखता से दिखाया था और खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और अब पार्क से गंदगी और झाड़ियों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। सोनीपत के मुकीमपुर गांव की बेटी मीना अंतिल अपने ही देश में प्लेन उड़ाकर माता पिता का सपना पूरा करेगी। मीना ने एक प्राइवेट एयरलाइंस में कैप्टन के पद पर ज्वाइन कर लिया है और उस कड़ी में मीना के गांव पहुंचने पर लोगों ने जमकर उसका स्वागत किया। देश की बेटी एक बार फिर देश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने को तैयार है। दरअसल गांव बनेवाल की बेटी मनीषा भारत देश का तिरंगा 26 जनवरी को साउथ अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत पर फहराने जा रही है और इस चोटी की ऊंचाई धरातल से 19,340 फीट है। कैथल पहुंची मनीषा ने बताया कि उसका सपना माउंट एवरेस्ट की चोटी पर देश का तिरंगा फहराना है और इस सपने को वो अप्रैल मई 2019 में पूरा करने जा रही है। पानीपत से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, जिसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहर करनाल ने लिंग अनुपात में दूसरा स्थान पाया है। वहीं सिरसा नंबर 1 पर है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर आज करनाल की कालिदास रंगशाला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुग्राम में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस के जवानों के तनाव को दूर रखने के लिए अब एक दिन का अवकाश दिया जाएगा। इस कड़ी में कल से इस नियम का पालन किया जाएगा और आपको बता दें कि गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस पर लगातार काम करने का एक बड़ा दबाव था, जिसके कारण उनके व्यवहार में भी बदलाव आ रहा था। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से पुलिस के आला अधिकारियों ने इस पर मंथन किया और यह फैसला लिया है और अब शनिवार रविवार को 50% ट्रैफिक पुलिस के जवान अवकाश पर रहेंगे। भिवानी शहर में हांसी रोड पर बना रेलवे ओवरब्रिज बड़ी दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। लगभग 2.5 साल पहले बने इस रेलवे ओवरब्रिज की सड़क टूटने भी लगनी शुरू हो गई है। रेलवे ओवरब्रिज की सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। आलम यह है कि ओवरब्रिज के सरिये भी बाहर निकल आए हैं, जिससे दिन प्रतिदिन छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने सड़क की जांच कर गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि दोबारा से सड़क को बनवाया जाएगा। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे को एसपीआर और हाईवे से जोड़ने के पिछले काफी समय से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही द्वारका एक्सप्रेसवे की समस्या का समाधान निकल जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्लोवर यानी फ्लाईओवर और अंडरपास प्रोजेक्ट के माध्यम से एनपीआर और एसपीआर की कनेक्टिविटी अब शुरू की जाएगी। हुड्डा विभाग ने इसे डायरेक्ट जोड़ने का सुझाव दिया था, जिस पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके लिए एनएचएआई ने एलएनटी को टेंडर दिया है और जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर किसान आंदोलन की राह पर हैं और सरकार के साथ किसान अब आर पार की लड़ाई के मोड में नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में किसानों ने अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के बैनर तले एक बार फिर सिरसा के लघु सचिवालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। जिले के कई गांवों में यहां किसान एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष व्यक्त किया। वहीं किसानों की मुख्य मांगे हैं कि 2018 में खराब हुई फसल जल्द मुआवजा दिया जाए और गेहूं की खरीद पर 300 रुपए बोनस दिया जाए, रानिया और एलनाबाद डाक जोन हटाया जाए और किसानों को पूरी तरह से कर्ज मुक्त किया जाए।
सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नरवाना में फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नरवाना के एसटी महिला कॉलेज में फीस वृद्धि को लेकर छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने कॉलेज की प्रधान मंजू लोधर के नेतृत्व में कॉलेज के खिलाफ लूट खसूट बंद करो के नारे लगाए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्राओं और कॉलेज स्टाफ को मनाने की कोशिश की, लेकिन छात्राओं ने मानने से साफ इंकार कर दिया। छात्राओं का कहना है कि जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और बता दें कि नरवाना के अंदर महिलाओं के लिए एकमात्र महिला कॉलेज है जिसमें हजारों लड़कियां गांव से पढ़ने आती हैं। मंडी डब्बाली में दो सालों से निर्माण कार्य पूरा ना होने पर नाराज दुकानदारों ने दुकानें बंद कर काले झंडे लेकर प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भड़ास निकाली। और वहीं दुकानदारों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि लंबे समय के बाद रोड का कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन पिछले करीब एक महीने से रोड पर पत्थर बिछाकर कार्य बंद कर दिया गया है, जिससे आमजन और उनकी दुकानों के गेट भी बंद होने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आज तो कोई सुनवाई नहीं की गई है। कुरुक्षेत्र के बाबिन कस्बे में आज सैकड़ों दुकानदारों ने भूख हड़ताल की। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार दुकानदारों को बेरोजगार करने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर दुकानदार संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनका संघर्ष रंग लाएगा और दुकानदारों को उजाड़ने की बजाय रोका जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मास्टर प्लान से बस अड्डा बनाने का काम किया जा रहा है और जिससे दुकानदारों को परेशानी हो रही है। वहीं दुकानदारों ने सरकार से समस्या का समाधान करने की भी मांग की है। पलवल की न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी के वार्ड नंबर 14 में खाली प्लॉट में भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां कूड़े के ढेर में मिली। दवाइयों में ज्यादातर कीड़े मारने की दवाई और ओआरएस खोल समेत आयरन की दवाइयां शामिल हैं और सुबह की सैर कर रहे लोगों ने मामले की शिकायत संबंधित विभाग को दी। दवाइयां मिलने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने टीम बनाकर मौके पर पड़ी दवाइयों को कब्जे में लिया। दवाइयों पर अंतिम तिथि अगस्त 2019 लिखी हुई है और फिलहाल स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो धड़ल्ले से बेची जा रही एक्सपायरी बियर की है और इस वीडियो में ठेके का कर्मचारी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि एक्सपायरी बियर पीने से कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं एक्साइज विभाग के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे थे और पर वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद एक्साइज विभाग ने कहा कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि एक्सपायरी बियर इन दिनों फरीदाबाद के ठेकों पर बेची जा रही है और वहीं एक्साइज विभाग के उपायुक्त डॉक्टर एसपीएस चौहान की माने तो उनके पास इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। बीती देर शाम नांगल चौधरी के गांव नांगल नूनिया में बदमाशों ने एक घर पर फायरिंग की, जहां एक महिला बाल बाल बच गई और इस कड़ी में सरपंच ने पुलिस को फोन करके शिकायत दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। आपको बता दें कि कल देर शाम तीन बदमाश बाइक पर आए थे और फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने रात भर छापेमारी की है पर आरोपी अभी तक पकड़ से बाहर है। लघु सचिवालय के बाहर हुए डबल मर्डर मामले में मुख्य आरोपी सोमवीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि सोमवीर मर्चेंट नेवी में काम करता है। पुलिस ने सोमवीर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था और मामले में ममता नाम की किशोरी के मर्डर के लिए सोमवीर ने ही शूटर को अरेंज किया था। यमुनानगर के गांव शादीपुर में गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है। बदमाशों ने दुकान में घुसकर तलवार से दुकानदार पर हमला कर दिया और बता दें कि मारपीट की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने अपने ही चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि मृतक युवक के बेटे का ग्रुप डी की लिस्ट में नाम आया था, जिसको लेकर वो पार्टी कर रहा था। काफी खुश होने के चलते इसका जश्न मनाने के लिए युवक अपने चचेरे भाई और दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा था।
और वहीं शराब पीते समय मृतक युवक और चचेरे भाई के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और कहा सुनी एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। वहीं आरोपी ने गुस्से में आकर अपने चचेरे भाई को गोली मार दी और फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी की तलाश में पुलिस जुट गई है। फतेहाबाद में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल सड़क पर अचानक आए पशुओं को बचाने के चक्कर में रेत से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बता दें कि ट्रक में सवार ड्राइवर समेत दो लोग घायल हो गए और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। सरकार लोगों को जागरूक करने में रोड सेफ्टी सुरक्षा सप्ताह जैसे कई कार्यक्रम चलाती है और वहीं लोग नियमों की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। बता दें कि देश में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या करीब 1,40,000 है, जिसमें हर रोज इजाफा हो रहा है और जरा सी जल्दी के चक्कर में लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं इसको लेकर सीएम का कहना है कि सिटी है लेकिन यहां ट्रैफिक नियमों की कुछ लोग ही पालना करते हैं तो कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में वाहन दौड़ाते हैं, हाईवे से गलत कट लेते हैं और बिना हेलमेट के बाइक चलाना तो यहां आम बात है। और हालांकि शहर में तीसरी आंख की मदद से लोगों के चालान भी काटे जाते हैं लेकिन उसके बाद भी किसी को कोई परवाह नहीं है। फरीदाबाद में आज अचानक मौसम ने करवट ले ली और मौसम में करवट के चलते आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी है और वहीं जहां एक तरफ बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, दूसरी तरफ प्रदूषण में कमी देखने को मिली। और बता दें कि फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर 400 से 500 तक पहुंच गया था पर बारिश के चलते प्रदूषण का स्तर अब घट गया है। और वहीं इस बारिश के चलते मौसमी बीमारियों से राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। मेहुल चोकसी ने अपने भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया है और खुद को एंटीगुआ का नागरिक बताया है। मेहुल चोकसी ने आधिकारिक तौर पर भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया है और मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ हाई कमीशन में अपना पासपोर्ट जमा करवा दिया है। कुंभ में आज आस्था का दूसरा महासंगम हो रहा है। पौष पूर्णिमा के मौके पर कुंभ में पावन स्नान की प्रक्रिया चल रही है। हिंदू धर्म में पौष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन नदियों में आस्था की डुबकी लगाने का अधिक महत्व है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। पेट्रोल के दाम में लगातार पांचवें दिन वृद्धि हुई है तो वहीं डीजल के दाम में लगातार 12वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे महंगा हो गया, वहीं डीजल की कीमत में 26 पैसे का इजाफा हुआ है। मुंबई में पेट्रोल के भाव में 19 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और वहीं डीजल के दामों में 26 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के दौरान मैन ऑफ द सीरीज रहे धोनी न्यूजीलैंड में भी धूम मचाने को तैयार हैं। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज के लिए ऑकलैंड पहुंच चुकी है। वहीं सीरीज का पहला वनडे 23 जनवरी को नेपियर में खेला जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में धोनी ने 3 वनडे पारियों में 2 बार नाबाद रहकर 193 रन बनाए थे। उनका यही फॉर्म कायम रहा तो वहीं बड़ा रिकॉर्ड अपने वो नाम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली जीत को कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी भुलाना चाहती है और कांग्रेस के कुछ पार्षद ने भोपाल लोकसभा सीट जीत का फॉर्मूला निकाला है। उन्होंने मांग की है कि भोपाल संसदीय सीट से किसी नेता को नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को टिकट दी जाए। फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है और हर दिन के साथ फिल्म को दर्शकों का प्यार मिल रहा है। जानकार हैरान होगी कि फिल्म उरी ने तनु वेट्स मनु रिटर्न का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। फिल्म ने महज 10 दिन में ही 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है और कंगना रनौत की सुपरहिट फिल्म ने 11 दिनों में 100 करोड़ की कमाई की थी लेकिन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 10 दिनों में ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है। रविवार को कंगना रनौत मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की सदगुरु जग्गी वासुदेव के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाएगी और सिनेमाघरों में फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है।
यहां बॉलीवुड और फिल्म से जुड़े सितारे नजर आए और स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस अपने भांजे पृथ्वी के साथ पहुंची। भांजे को गोद में लेकर एक्ट्रेस की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी आगामी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के प्रमोशन में बिजी हैं और हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान कंगना ने बताया कि जल्द ही उनकी सुपरहिट सीरीज तनुवेट्स मनु की तीसरी फिल्म शुरू होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।